स्टूडेंट्स, आज आपको एथेनॉल कोल बनाने की प्रयोगशाला विधि के विषय में बताएंगे। हम लोग इसको एथेन के ऑक्सीकरण से बना सकते हैं। एथेन क्या होता है? C2H6। जब इसका हम ऑक्सीकरण करेंगे तो ये चेन रिएक्शन के अकॉर्डिंग एथेनॉल कोल C2H5OH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हम भौतिक गुणों की चर्चा करेंगे। इसका पहला पॉइंट है यह रंगहीन, ये पहले कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, रंगहीन स्प्रिट की गंध युक्त एक द्रव है। दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं इसका क्वथनांक 78.1 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा पॉइंट है इसे पीने पर उत्तेजना उत्पन्न होती है या फिर अधिक पीने से आदमी की मृत्यु हो जाती है। किसकी वजह से? निर्जलीकरण के कारण, जल की कमी के कारण। यह जल में पूर्णता विलेय है क्योंकि जल में ये अंतराणु हाइड्रोजन बंध बना लेता है, इसलिए जल में पूर्ण रूप से विलय हो जाता है। इसकी तीन प्रॉपर्टी, पहला यह रंगहीन स्प्रिट की गंध युक्त एक द्रव है, दूसरा है इसका क्वथनांक 78.1 डिग्री सेल्सियस होता है, तीसरा है ये पीने पर उत्तेजना उत्पन्न कर लेता है और अधिक मात्रा में पी लेने से निर्जलीकरण के कारण, निर्जली कारक के कारण आदमी की मृत्यु हो जाती है। चौथा हम बोल सकते हैं, चौथे में आप ले सकते हो ये जल में पूर्ण रूप से विलेय है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन बंध बना लेता है, अंतरणु हाइड्रोजन बंध, इसलिए पूर्ण रूप से विलेय है। तो ये हो गया आपके भौतिक गुणों की चर्चा। अब हम बात करेंगे रासायनिक गुणों की चर्चा। रासायनिक गुण में हम सबसे पहले जैसे मेथिल अल्कोहल में आपका दहन करवाया था, तो यहां हम एथिल अल्कोहल का दहन करवाएंगे। और दहन आप लोग सभी लोग जानते हैं कैसे करते हैं। एथिल अल्कोहल C2H5OH होता है, जब इसका दहन करवाना होता है तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बनने वाला कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट निश्चित है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। मैंने पिछले क्लास में बताया था बैलेंसिंग सिस्टम। बैलेंसिंग सिस्टम क्या होता है? यहाँ नंबर आप कार्बन देखने होते हैं कितने, यहाँ दो है, यहाँ कितने है? दो है, दो का मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन कितने है? सिक्स है, यहाँ तीन का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6। अब ऑक्सीजन चेक करेंगे, 2 2 4, 4 में 3 ऐड करेंगे 7 आएगी। यहाँ पर एक ऑक्सीजन पहले से, यदि आप 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7। इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। बाकी ये कॉन्सेप्टिव रिएक्शन है, निश्चित है कि जब भी अल्कोहल का दहन होगा तो 100% कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा, किसी भी कार्बनिक यौगिक की बात हो। सेकंड पॉइंट हम इसके ऑक्सीकरण की करेंगे। ऑक्सीकरण की रिएक्शन ये होती है, ये भी चेन रिएक्शन का कमाल है, इसमें ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर जब हम चेन रिएक्शन से इसका ऑक्सीकरण करते हैं नवजात ओ के द्वारा, तो एल्कोहल जो है ऑक्सीकृत हो करके एल्डिहाइड, अब एक कार्बन का होता है तो एक कार्बन का एल्डिहाइड, यहाँ दो कार्बन है, दो कार्बन का एल्डिहाइड एस्टरडिहाइड का निर्माण करता है, दिस इज एस्टरडिहाइड। अगर हम अपचेन की इसी तरीके बात करें तो रिडक्शन इसकी अपोजिट क्रिया होती है। अब हम अपोजिट की बात कर दिए हैं तो आप जहां से चेन रिएक्शन मतलब स्टार्ट होती है, ये रिएक्शन वहीं पर पहुंचेगी जाके, यहाँ पर दो एच ले लेंगे और ये बनाएगा एच टू और में ओ मिलके एच टू, और यहाँ पर बनने वाला प्रोडक्ट निश्चित है C2H6। इस तरीके से आपका अपचय है। अब मैं इसको ऊपर से बता रहा हूं। यहां पर हम आपको सोडियम से क्रिया दिखा रहे हैं, एथिल अल्कोहल लेंगे C2H5OH + Na। जब ये धातु से क्रिया करता है तो इससे हाइड्रोजन गैस 100% निकलती है, तो H2 निकालेंगे, लेकिन यहाँ एक H है, दो का मल्टीप्लाई करके 2H कर लेंगे। यहाँ पर सोडियम के दो मॉलिक्यूल्स लेकर यहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ बनेगा 2C2H5ONa, जिसका नाम होता है सोडियम इथॉक्साइड। क्या नाम है? सोडियम इथॉक्साइड। इसके बाद में इसी तरीके हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन दिखा सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया या से क्रिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? C2H5OH + NaOH। आप देख सकते हैं यहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहां हाइड्रोजन ग्रुप, H2O पक्का निकलेगा। फिर से ये बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड इथॉक्साइड सॉरी NaOC2S5 या C2S5ONa। इस तरीके से NaOH से रिएक्शन होती है। अगले स्टेप में हम आपको दिखा सकते हैं PCl3 से क्रिया। PCl3 का विशेष रोल होता है, पिछली क्लास में मैंने बता रखा हुआ है। PCl3 100% H3PO3 निकालता है तो निकालता है। हम लोग क्या करेंगे? C2S5OH लेंगे और इसकी क्रिया PCl3 से करवाएंगे। यहां से निकलने वाला एक प्रोडक्ट तय है H3PO3। मैंने बताया था H3O3 के लिए यहाँ तीन का हमें आगे मल्टीप्लाई करना होगा,
तीन आगे मल्टीप्लाई करेंगे तब तीन ओ एच यहां निकल पाएंगे और एक भी निकल पाएगा, बचेगा थ्री सी टू एच फाइव थ्री सी एल, मिलाकर बन सकता है थ्री सी टू एच फाइव सी एल, जिसको बोलते हैं एथिल क्लोराइड। इसी तरीके की एक रिएक्शन और है पीसीएल फाइव से क्रिया, पीसीएल फाइव को हम लोग बोलते हैं फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, सी टू एच फाइव ओ एच प्लस पीसीएल फाइव, पीसीएल फाइव से एक विशेष रूल निकलता है, विशेष टॉपिक निकलता है पीओसीएल थ्री, अगर लास्ट में एच है तो प्लस का एच सी एल भी निकलेगा, तो बचा क्या प्रोडक्ट, पी गया ओ गया चार सी एल गए और एक एच भी गया, एक सी एल सी टू एच फाइव बचेगा, तो इसको लिखेंगे सी टू एच फाइव सी एल एथिल क्लोराइड। अब आपको हम आपको बताने जा रहे हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया, ये आपकी एस्टरीकरण अभिक्रिया है जहां एस्ट्रिक अम्ल लिया जाता है, पहले इसको बता रखे हैं तभी इसको मैंने लिख कर आपको बता दिया, एच ओ एच एस टू ओ निकलेगा, बचेगा सी एस थ्री सी डबल ओ सी टू एस फाइव एथिल एस्टेट, दिस इज एस्टर। इसी तरीके एसिडलीकरण अभिक्रिया होती है, एसिडलीकरण में हम सी एस थ्री सी ओ सी एल लेते हैं, यहाँ एच और सी एल मिलकर एस सी एल प्रतिस्थापित हो जाता है, बचता है सी एस थ्री सी डबल ओ सी टू एस फाइव सेम टू सेम प्रोडक्ट। नाइट्रिकरण में हम एच नो थ्री लेते हैं, इसको ओ एच और एच नो टू में तोड़ते हैं, एच और ओ एच मिलकर एस टू निकलता है, बचेगा सी टू एस फाइव ओ एन को। इसी तरीके की आपकी अभिक्रिया है सल्फोनीकरण, जिसमें सी टू एस फाइव ओ एच लेते हैं, एस टू एस फोर लेते हैं, यहाँ इसको ओ एच और एस थ्री इसमें तोड़ेंगे, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो बन जाएगा सी टू एस फाइव एच एस फोर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्लस एस टू, इसको बोलते हैं एथिल नाइट्रेट। ओके, इस तरीके से आपके रासायनिक गुण कंप्लीट होते हैं, उपयोग में प्रयोगशाला विकर्मक के रूप में, काल्पनिक यौगिकों के संश्लेषण में, एथेन गैस के निर्माण में इत्यादि। ओके, और स्टूडेंट जिन विद्यार्थियों को अगर नए टॉपिक में वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बतावे, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और हमारे इंस्टाग्राम चैनल में जाकर के वहां पे भी फॉलो करें। धन्यवाद।